जी आ गए चूतियापा देखने। आज मैं एक ऐसे खूबसूरत इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बड़े चर्चे भी और बड़े चूचे भी, जो अपना खून देती है दूसरों का मुंह में लेती है, जिसकी चाल है नवाबी गांड है गुलाबी, जिसको खजाने की है चाहत और गांड मराने की है आदत। तो आओ यार गाइस, अपने कानों में ये बिना चुभने वाले हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इसका बस नहीं चलता है, वरना ये मच्छरों को मार के उसका हार बना के गले में डाल ले। नहीं, ये खाने वाली चीजों को बहनचो पीने वाली जगह पे कौन लगाता है। केला भी सोच में पड़ा है कि भाई ये खाने और लेने तक का तो ठीक था, ये बहनचो तो पहनने भी लग गए हमें। इसकी आविष्कार देख के जापान वालों ने भी टेक्नोलॉजी से हाथ जोड़ लिए। उनको भी सिर्फ यही लगता था कि इस चीज को सिर्फ बालों में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहन तो चूचे झांके जा रहे हैं इससे। चलो अगर उर्फी जावे आपकी डिजाइनर होती तो आपका आउटफिट क्या होता? अगर बिग बॉस में ये कपड़ा डिजाइनर बन गई ना, तो कपड़ा सिर्फ चूचियों पे यूज होगा, बाकी बदन नंगा दिखेगा। वाह बहन चोद, नहीं देख रहे हो क्या ड्रेस है बनाई? ऐसा लग रहा है जैसे फटे कॉन्डोम से सिर्फ टोपा बाहर दिख रहा है। मैं भी इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर मैं इससे मिलूंगा तो फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, सीधा इसके पास जाकर बोलूंगा अपने नुकीले पेन से मेरी छाती पे मादर चोद लिख दो। अच्छा। बस यही सब देख के तो बहनचोद रात को बुरे सपने आते हैं और लौंडों की कच्चियां गीली हो जाती हैं और घर वालों को ये लगता है कि लौंडा खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है। बात तो सही है। इसकी एक अपनी अलग ही दुनिया है जहाँ पे इसके जैसे चूचे दिखाने वाले लोग ही रहते हैं। यो 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 यो, ए रूपाली ए रूपाली, पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली ए रूपाली ए रूपाली, यो यो बंटा रैपर। बच्चों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी गांडू, इसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। मुझे नहीं पता तू धरती की किस तत्व से बनी है, लेकिन तू बहनचोद अकेली ही मरेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये दुनिया बर्बाद है और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन जैसी चाची चूचियों का ही हाथ है। बात तो सही है। मुझे बस इसके टेलर को देखना है जो इसके कपड़े सिलता है, उसके अंदर कुछ बचा भी है या बिल्कुल खत्म हो गया। सीखो तुम लोग भी कुछ, ये नारी इतनी खूबसूरत होके भी गलियों से कचरा उठा रही है। भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कुछ। मैं चूतिया हूँ, मैं झाटू हूँ, मैं भोसड़ी का हूँ जो इतनी देर से, खैर छोड़ो। उर्फी मैडम मैडम जी, क्या ये आपका नया नमकीन अंदाज है? उर्फी जी प्लीज एक फोटो। अरे उर्फी मैम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे रुको उर्फी मैम, रुको पीछे। और क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको खाऊं या चाटूं? अरे उर्फी मैम थोड़ा राइट देखो, राइट। उर्फी जावेद लेटेस्ट ऑब्सेशन विद 2M नमकीन। यार मीडिया का ना तो काम ही यही है, अब इनको 2M नमकीन के लिए मेरा प्यार ऑब्सेशन लग रहा है। लग रहा है तो लगने दो, मैं क्या करूँ। 2M नमकीन बना है विदाउट पाम ऑयल और इसका टेस्ट ना
इतना अमेजिंग है दैट आई वांट टू बी अराउंड इट ऑल द टाइम. मैं जहाँ भी देखती हूँ एक और लड़की जिसको लगता है ये स्पेशल है, वो लोमड़ी सी थूत की, तुझे देख के दो लोग यही कह रहे हैं तू जाके चाय पत्ती लेके आ, तू शुगर लेके आ, दूध इससे हम निकाल लेंगे और नमकीन इसने पहन रखी है, चाय और नमकीन का अच्छा नाश्ता हो जाएगा. तूने जिस नमकीन जगह पे नमकीन को लगा रखा है ना, वहाँ पे टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, लोग ऐसे ही चाट जाएंगे. तो आओ यार बस हो गया आज का. वीडियो में दिखाए हुए किरदार को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अपना मजा यहीं तक सीमित रखें और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें. और अगर चैनल पर नए है तो ये जो काले अक्षरों में लिखा है इस पे चाहे इसके कपड़े फेंक के मारो, चाहे ये जो नमकीन है इसको फेंक के मारो, मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. बाय. चल बहन के लोड़े मोहित, तेरे लिए छांटों की माला बनवा के लाता हूँ फिजावे से.